ठोस व तरल कचरा प्रबंधन एवं बेहतर कार्यान्वयन को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के क्रियान्वयन कर गठित हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय समिति की बैठक हमीर भवन में समिति की अध्यक्षता राजवंत संधू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 अप्रैल से ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को एक अभियान के रूप में शुरू कर 100% डोर टू डोर कनेक्शन बनाए। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को ठोस व तरल कचरा के प्रबंधन को लेकर और जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें जिला के शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में प्रातःकालीन सभा में बच्चों के लिए स्वच्छता प्रतिज्ञा को अनिवार्य बनाएं तथा बच्चों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को लेकर विस्तार से जागरूक करें, ताकि घर घर में इससे संबंधित संदेश पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे स्वच्छता एवं ठोस एवं तरल कचरा के सही प्रबंधन पर पैम्पलेट प्रकाशित करवाकर विभिन्न विभागों के माध्यम से जागरूकता कैंपों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वच्छता तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूक हो सकें। उन्होंने ऐसे पैम्पलेट को जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को विस्तृत करवाने के भी निर्देश दिए हैं। राजवंत संधू ने कहा कि सभी विकास खंड अधिकारी, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन को लेकर समुचित प्रबंध करें तथा 100% रूप से कचरा घर घर से उठाना सुनिश्चित बनाएं। बैठक में जिला के सभी विकास खंडों, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने जिला में इस कार्य की और गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने आश्वासन दिया है कि इनकी पूरी टीम ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को एक अभियान के रूप में चलाएगी तथा हर माह इसकी प्रगति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।